तो इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं अगली एग्जाम्पल पे। और अगला एग्जाम्पल हमारा है जो कि हमारे एक पुराने स्टूडेंट हैं विपिन पांडे, उन्होंने मुझसे पूछा था फोन पे, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इनकी अटेंडेंस डेटा को समझिए। उनका ये अटेंडेंस डेटा है जिसमें उनके यहाँ पे उनके एम्प्लॉय कोड्स हैं और यहाँ पे उनके डेट्स हैं और यहाँ उनका अटेंडेंस है। ओके, तो ये तो ठीक है, बट वो चाहते हैं कि एक समरी सीट पे वो यहाँ पे स्टार्ट डेट एंड डेट डालें, यहाँ पे पर्सन्स के नेम डालें। नेम से अच्छा होगा कि वो एम्प्लॉय को डालते, क्योंकि नेम तो डुप्लीकेट है, जैसे राकेश यहाँ डुप्लीकेट है, सो मैं यहाँ उनकी एम्प्लॉय को डालता हूँ। एम्प्लॉय कोड सही रहेगा, यूनिक रहेगा, एम्प्लॉय कोड हमने डाल दिया। ओके, तो किस एम्प्लॉय कोड की इस बिटवीन में टोटल प्रेजेंट कितना है, टोटल अब्सेंट कितना है। ओके, अब एट्रीब्यूट कर रहे हैं तो एट्रीब्यूट को छोड़िए, इसको हटा देते हैं फिलहाल, क्योंकि पता नहीं क्या है, लेकिन फिलहाल हम समझते हैं कि टोटल पी और टोटल क्या। उन्होंने काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया भी है बट लेकिन वर्क नहीं किया। वर्क ना करने के पीछे रीजन है कि डेटा हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। सर इसके लिए वी लुकअप लगेगा ना? नहीं, वी लुकअप तो सिर्फ एक लुकअप करेगा ना, और बिटवीन के अंदर में उसको काउंट करना चाहते हैं। ओके, उनको सिर्फ राकेश का नहीं देखना है प्रेजेंट, उनको सर तो इसके लिए हम लोग इंडेक्स और मैच यूज कर सकते हैं सर इंडेक्स मैच भी आपको सिंगल सेल देगा ना, कैलकुलेट तो नहीं ना? किया ना, अच्छा, जब कैलकुलेट करना है, करेक्ट। काउंट चाहिए ना। जैसे मान लीजिए ना कि राजेश का ही 7 से 9, तो 7 ये आपका 7 ले लिया, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे सेम फॉर्मेट कर देता हूँ, 7 है, सेवन हो गया। अब 7 से 9 के बीच में 3% यहाँ पे कितने हैं, 3 है, तो यहाँ रिजल्ट 3 आना चाहिए, आना चाहिए। समझ गए। तो कैसे करें, तो सबसे पहले हम इस चीज को जानते हैं कि हम काउंट कैसे करेंगे, मतलब कि बिटवीन में काउंट कैसे करेंगे। देखिए काउंट एक का फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों चलता है, तो मैं इसको अलग एक शीट पे समझाता हूँ, पेस्ट वैल्यू कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मुझे चाहिए 1-7 है, हाँ 1-7 7 जनवरी है, 1-7 से लेके 7 जैन से लेके मान लीजिए कि मुझे 9 जनवरी तक का कितने है वो चाहिए। तो यहाँ पे हम काउंट इफ्स का इस्तेमाल करेंगे। काउंट इफ्स हमने दिया रेंज, और फिर हमने बोला कि इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और एन परसेंट लगा दिया 7 जनवरी, और फिर वापस हम इसी रेंज को सेलेक्ट कर, क्योंकि काउंट इफ्स में मल्टीपल दे सकते हैं, और इसमें फिर हमने लेस देन इक्वल टू एन परसेंट दे दिया 9 जैन। समझ गए, 3 आ गया। और हाँ ये 3 तो डेट किया ना, हमें तो इसके अंदर नीचे चाहिए, नीचे का चाहिए ना। ये प्रॉब्लम ये है कि अगर जिस सीक्वेंस में ए है उसी सीक्वेंस में आपका यहां रहा तो बात बन सकती है। कैसे बात बन सकती है, मैं सेम यहां करके दिखाता हूं। काउंट इफ्स में हमने अटेंडेंस में गया, पहली क्राइटेरिया हमने ले लिया डेट की, फिर हमने बोला इज ग्रेटर देन इक्वल टू और एन परसेंट लगा दिया, और हमने यहां अपने स्टार्ट डेट को सेलेक्ट कर लिया। फिर वापस आए हम, और वापस हम अगली बार भी सेम क्राइटेरिया देते हैं, और इसमें देते हैं कि लेस देन इक्वल टू और एन परसेंट लगाते हैं, और एन परसेंट में हम सेलेक्ट करते हैं 9, तो यहाँ पे 0 आया, 0 आया, क्योंकि जुलाई है, वहाँ पे हमारा जनवरी है, इसलिए आ गया। अब इसमें क्वेश्चन आता है, एक चीज और यहां हमें देना है, यहां पे
रेंज में हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और हमने बोला कि इसमें कितने पी है। अब नीचे ड्रैग करने से पहले ये जो 4 है इसको फ्रीज होगा, F4 करेंगे तो फ्रीज हो जाएगा, इसको भी फ्रीज कर देंगे। उसके बाद हमारा C1 भी फ्रीज होगा और C2 भी फ्रीज होगा, बट हम 5 को फ्रीज नहीं करेंगे। जब ये नीचे हम ड्रैग करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या आ गया 6x6, मतलब कि 5x5 इसको दिखा था, फिर 6x6 इसने इसको देखा। इसमें दो ही था क्योंकि इसमें एक अब्सेंट है ना यहाँ पे, करेक्ट, समझ गए। बट क्या है कि इसमें इस नाम से कोई लेना देना इसका नहीं है, समझ गए। वो सिक्वेंस ही देख रहा था, जिस सिक्वेंस में हमारा अटेंडेंस है उस सिक्वेंस का अगर हमने इसको रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर अगर सिक्वेंस इंटरचेंज होता, हाँ देखिए मेरी आदत है हम जो है ना 1x1 पढ़ाते हैं, एक साथ सब पढ़ेंगे तो दिमाग में नहीं घुसे, इसलिए स्टेज चलिए। तो पहली स्टेज हमने क्या बताई आपको कि हम दो बिटवीन डेट को काउंट कैसे करें, तो हमने बताया हम काउंट इफ्स में ग्रेटर देन लेस देन इस तरह से कंबाइन करेंगे तो काउंट हो जाएगा, ये समझ में आ गया था आपको जी सर। अब इसमें दूसरी स्टेज था हमारा कि हम अब्सेंट पर्सन को कैसे काउंट करें, तो हमने इसमें बोला कि अगर सीक्वेंस है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसको कैसे किया जाए, तो यहां पे हमारा काम करेगा मैच। हम मैच का फॉर्मूला में इस एम्प्लॉय आईडी को अटेंडेंस के कॉलम ए में सर्च करेंगे, ए बताएगा कि ए जो है किस रो में है, क्या बताएगा किस रो में है, तो बता दिया 5 रो में है। और फिर मैंने क्या किया कि इसके साथ हमने कंबाइन कर दिया किसी को, समझ गए, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह का अटेंडेंस बना दिया, क्यों, क्योंकि यहां इसी तरह का अटेंडेंस बनता है, ठीक है। नहीं सर फिर से एक बार ये टोटल ए वाला देखिए, यहां पे अटेंडेंस में हमें रेंज कैसा चाहिए, 5 से 5 इस तरह से चाहिए ना, हाँ। तो हमने मैच का फॉर्मूला लगाया तो उसने बता दिया कि ए एम्प्लॉय कोड अटेंडेंस सीट में 5वें नंबर पे है, अच्छा हाँ। तो हमने इसी को क्या किया कि दोनों को आपस में एन परसेंट क्या करता, समझ में आता है वो क्या करता है, एन परसेंट ऐड करता है जी, हाँ सुजीत कुमार लिखा हुआ है तो दोनों करके यहाँ पे सुजीत कुमार दिखा देता है इस तरह से, समझा। तो हमने क्या किया 5 और 5 को इस तरह से ज्वाइन कर दिया, लेकिन बीच में सेपरेटर डाल दिया कॉलन का ताकि इस तरह से बन जाए, क्योंकि हमारे अटेंडेंस वाले डेटा में इसमें मैच वाले डेटा में जो ए चाहिए वो इसी तरह से चाहिए। okay. अब मैं इसमें अपना अटेंडेंस अब यहाँ, लेकिन फॉर्मेट कैसा होता है, इस तरह से होता है, दिख रहा नाम सर सीट का नाम भी तो होता है, तो हमने इससे पहले इन्वर्टेड कॉमा में सीट का बाकी रेफरेंस डाल के एन कर दिया, एन परसेंट कर दिया, तो कंप्लीट एड्रेस बन गया। okay, हाँ. जो यहाँ चाहिए था, अगर इसको मान लीजिए ऊपर रखता हूं तो देखिए चेंज हो गया ना, 6x6 हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर इसमें कैसे कंबाइन करेंगे, उससे पहले तो कई सारे सेल्स में एक सेल में कैसे होगा, तो ये जो मैच का फॉर्मूला है, इस मैच के फॉर्मूला को मैंने कॉपी किया, ध्यान रखिएगा क्योंकि इस मैच लिंक है D5 D5, तो मैं D5 की जगह पे D5 का फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूं, इसको कॉपी किया और यहाँ जहाँ D5 था इन्वर्टेड कॉमा में D5 के जगह पे D5 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, और यहाँ भी D5 था तो इसके जगह भी D5 का फॉर्मूला हम पेस्ट कर दिए, मैच। मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब क्वेश्चन आता है क्या हम इसको कॉपी करें और जो हमारा ये था इसमें जो अटेंडेंस 5x5 था इसके जगह पेस्ट कर दें, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये रेफरेंस है और जो हमने अभी कॉपी किया है ये वाली पार्ट, ये क्या है, टेक्स्ट है,
इन्वर्टर कमा लगा हुआ है, एन परसेंट लगा हुआ है, तो टेक्स्ट है, सो ए नहीं लेगा। लेकिन एक फॉर्मूला है इनडायरेक्ट का जो इस तरह की टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है रेफरेंस में। तो इनडायरेक्ट के अंदर में सेम चीज को कॉपी पेस्ट कर दिया। आ गया यहां पे, अब मुझे नीचे ड्रैग करना है तो मैं डायरेक्ट नीचे ड्रैग नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इसमें मुझे एक बार देखना होगा, क्योंकि मैच इसका कोई ए तो नहीं है, ए फाइव नहीं, इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, तो सबके काउंट आ गए, परसेंट के काउंट आ गए। मुझे इसमें अब्सेंट का काउंट चाहिए, तो इसी फॉर्मूला को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और जहाँ पे पी था उसके जगह पे हम ए कर दिया। ये आपको लग रहा है कि इतना लंबा फॉर्मूला है, लेकिन हमें इसको टुकड़े में बनाया। दूसरी चीज है किसी फॉर्मूला, अब यहाँ पे एक चीज और देखिए क्या है कि हमारे साथ भूपेंद्र जी लोग हैं जो कि बेसिक टू बेसिक थोड़ा सा कम जानते हैं। सिन्हा जी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर मैं सुन रहा हूँ, समझ में आ रहा है सर। तो अब जैसे कि मान लीजिए मुझे फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है पता करना है, तो फॉर्मूला मेनू बार के अंदर में आपके सामने यहां मिलता है एवलेट फॉर्मूला, उसको क्लिक कीजिए। ये वन बाय वन बताएगा, देखिए इसने समरी शीट से क्या लिया, डेट लिया, डेट को कंबाइन कर दिया, नंबर दिख रहा है और डेट होता है, ठीक है ना, डेट जो है जनरल फॉर्मेट होता है। फिर इसने क्या किया, इस समरी को लिया, दोनों को कंबाइन किया, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ मैच का फॉर्मूला चला, फिर कंबाइन हुआ, फिर वापस मैच का फॉर्मूला चला, वापस में कंबाइन हुआ, दिख रहा है आपको सर। फिर इसको आपस में कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद इसको क्या मिला, अटेंडेंस 5/5 मिला, जो कि आपका यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है ना सर। बट प्रॉब्लम है कि इनडायरेक्ट फॉर्मूला इसको रीड नहीं करेगा, फॉर्मूला इसको ABCD समझ रहा है, तो इनडायरेक्ट क्या कर रहा है, इसको तोड़ के एक रेफरेंस बना दिया। रेफरेंस बन गया, डॉलर साइन लग गया ना सर, इससे पहले तो डॉलर साइन नहीं था ना, नहीं डॉलर साइन लग गया। अब जो है काउंट इफ ने क्या बोला कि इसने देखा कि 4/4 में ग्रेटर देन इस डेट मतलब कि 7 तारीख, लेस देन ए मतलब कि 9 तारीख, और इसने 5/5 में जाके चेक किया कि पी है या नहीं है, है तो 3 निकाल दिया। अब नीचे मान लीजिए इसकी बात करें तो इसमें क्या हुआ कि एवलेट फॉर्मूला करते हैं, सब कुछ किया, सेम हुआ। अब यहां जो मैच ने रिजल्ट क्या दिया, यहां मैच ने रिजल्ट दिया 8, तो क्या हुआ 8 के साथ 8 कंबाइन होके एक एड्रेस बन गया, अटेंडेंस 8/8, बट नंबर फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेट में। इनडायरेक्ट ने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, तो काउंट इसको 3 चीजें मिली। भाई 4/4 वाले रो में जाओ और ग्रेटर देन 7 जुलाई, 4/4 में जाओ लेस देन 9 जुलाई, और 8/8 में जाके देखो कि P है या नहीं है, इसका रिजल्ट इसने दे दिया। तो A जो बना, A बना कि हमने एक ही फॉर्मूला को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों वर्क कर दिया, समझे। काउंट इफ किसी कीमत में हॉरिजॉन्टली वर्टिकली नहीं लेगा, ना काउंट इफ लेगा, ना वी लुकअप लेगा, कुछ भी नहीं लेगा। देखिए ये मेथड मैंने दिया मैच यूज करके, तो इसमें काउंट इफ को हर जो है वर्टिकली दे रहा है, हॉरिजॉन्टली दे रहा है, वर्टिकली नहीं दे रहा है, लेकिन किस रो का रेफरेंस देना है ये मैच डिसाइड करता है। मैच डिसाइड कैसे करता है, इसको सर्च करता है इसके रो नंबर, उस रो नंबर से इसको देखता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आपकी क्लासेस चलेगी तो इस तरह के फॉर्मूले आपके लिए ईजी लगेंगे।